वी हैव लॉस्ट कश्मीर लॉन्ग टाइम अगो। उस फ्रांस ने हालिया डील किया, 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को, जो 7.87 बिलियन यूरोस, डॉलर्स नहीं, 7.87 बिलियन यूरोस। लेकिन अकवामे मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राखेल बन चुकी है, इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है, वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही परचर्चा का कुछ अंश सुना। परचर्चा के केंद्र में भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है। जो अस्पष्टवादी हैं वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान भारत से कभी नहीं ले सकता, ऐसा न हो कि आगे चलकर जम्मू कश्मीर को लेने के चक्कर में पाकिस्तान को अपना गिलगित बल्तिस्तान सहित पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी से हाथ न धोना पड़े। आइए सुनते हैं आगे की परचर्चा, जिसमें चर्चाकारों द्वारा क्या प्रतिक्रिया इस संबंध में दी जा रही है। कि अब तक बहुत कुछ हो चुका, बहुत सारी हुकूमतें आईं गईं, बड़े मुआहदे हुए, जंगें हमने लड़ी, मुसल्ला जदोजहद हुई, लेकिन अभी तक ये मामला ताहाल तलब है और रही सही कसर भारत ने 5 अगस्त के वाकये के हवाले से पूरी कर दी थी। अभी भी आप समझते हैं कि ये जो कश्मीर का तनाज़ है, ये मामला है, डायलॉग टेबल पर ही जाना चाहिए, वहां पर जाएगा तो तभी इसका हल मुमकिन है। इसके अलावा आपका रास्ता क्या है? आप तो इस पोजीशन में नहीं है किसी जंग में जा सकें, तो जब आप जंग करनी नहीं, फिर दूसरा रास्ता मुज़ाकरात का है, तो मुज़ाकरात की आप कोशिश करके देख लें। लेकिन आप मुज़ाकरात के बारे में बड़े ही गैर संजीदा हैं। कभी कभार इन जो ये दिन होते हैं कश्मीर के हवाले से हमें सारी बात याद आ जाती है, और तो कुछ नहीं है। अमली तौर पर मैं काफ़ी सालों से कह रहा हूँ कि इतने 100 आपके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं गैर मुल्कों में सफारतकारी कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कभी किसी जगह से आपने सुना किसी ने किसी मुल्क के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ, वहाँ के वकला के साथ, वहाँ के लीडर जो हैं असेंबली के कारकुन जो हैं, जो मेंबर हैं, उनसे कोई इंटरेक्शन किया हो, उनको बताया हो कि कश्मीर का असल में मसला है क्या, कोई डॉक्यूमेंट्रीज लोगों को दिखाई हों, कोई कभी कभार जिस रोज आज जिस तरह हम यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं सड़क पे आए, वहाँ पे आपके जो मुतलका अफसर है वो खुद सफारत खाने के अंदर उसने कोई एहतजाज किया हो, काला झंडा लगाया, कुछ नहीं है। तो ऐसे तो बात नहीं बनती है। आप एक मजाक कर रहे हैं कौम के साथ, आपने इस चीज़ को एक रखा हुआ है किसी खास मकसद के लिए, इस लगता है कि आपने इस इशू को अब रखा हुआ है। आप इस इशू का हल चाहते ही नहीं है। अगर इशू का हल चाहते होते तो 70 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। क्या हुआ हमने इतने सालों से कोशिशें की, क्या नतीजा उसका निकला? 3 संजीदा कोशिशें हुई सिर्फ इस मामले में, और तीनों संजीदा कोशिशों के बाद हमने इसका फॉलोअप नहीं किया। ऐसे नहीं मामला तय होते। मामला तय होते हैं कि आप अपना मुकदमा मुसलसल लड़ते रहें। और मैं हैरान हूँ कि किस लिए सफारत खाने हैं, किस लिए ये सफारतकार बैठे हुए हैं, क्यों ये तनख्वाहें लेते हैं, क्या ये अपने बच्चों के लिए लेते हैं कि वहाँ पर उनको ला के पढ़ाएं, क्या उनके लिए स्कॉलरशिप को ढूंढते रहते हैं सारी दुनिया में कि अच्छे स्कॉलरशिप कहाँ पे मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, और अपने बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे लेके देने हैं, क्या वहाँ पे उन प्रिविलेज पिक्स का फैसला हासिल करना चाहते हैं कि अपनी जो खवातीन उनको अच्छे जेवरात कहाँ से खरीद के लेके देने हैं, उनको अच्छी शॉपिंग कहाँ से करानी है। ये बुरी लगेंगी बातें जरा आपको, लेकिन दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट सीरियस, वी हैव नेवर, हमने कश्मीर के मसले पे कौन सी संजीदा एफर्ट की है? क्या जाके अपना यूएनओ के अंदर एक तकरीर कर देना कई साल के बाद, ये संजीदा एफर्ट होती है? मुझे, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इतने इतने बड़े जहीन लोग बैठे हैं, जैगम साहब हैं, अमीर अब्बास साहब हैं, अपना नासिर बेग चुताई साहब हैं, ये मोहतरमा जो हैं ये बैठी हुई हैं, मुझे इनका जनीरा अजहर नाम आ गया इनका, मैं इन सब से सवाल करता हूं कि इनके इलम में पाकिस्तान के किस किस सफीर ने आज तक किस किस सफारत खाने में इवन आज का ही दिन मनाया हो जो आज आप मना रहे हैं? अगर मनाया है तो मेरा ईमेल एड्रेस में चाहें तो इनको मैं दे सकता हूं। बाद हजार आप मुझे बता दें कि फलाने फलाने सफारत खाने में ये हमारी एक्टिविटी थी, शर्म आनी चाहिए हमें, पैसा हम उजाड़ रहे हैं, किस मकसद के लिए वहां बैठे हैं? मुझे आप मकासद बता दें, क्या मकासद है उनके वहां पे बैठने के? ये मकसद होता है ना कि अपने मुल्क का महत्व पेश करना, अपने मुल्क की तजारत के लिए कोशिश करना, अपने मुल्क की मैन पावर को वहां पे जाके फरोख्त करना,
यही होता है क्या होता है? हम इसमें बुरी तरह नाकाम है तीनों चीजों में, ना तो हम अपने लोगों के लिए वहां पे जॉब ढूंढ सके, ना हम अपने वहां पे अच्छी सफारतकारी करके हम कश्मीर के मसले को बता सके वहां की यूनिवर्सिटियों को, वहां के स्टूडेंट्स को, वहां के लायर्स को, वहां की बार रूम्स को। ये क्या मजाक हम कर रहे हैं अपने आप से? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं उस शतमुर्ग की तरह। आई एम सॉरी फॉर दिस वेरी ब्लंट एंड। आपके पास एक ही मुल्क है चाइना, जो बड़ी मेहरबानी करता है आपके साथ, लेकिन बाकी दो तीन वीटो कर देंगे, जब वीटो हुआ तो मामला खत्म हो गया। हम जो बात करते हैं कि हमारे हमने चार इजलास किए सलामती काउंसिल के, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। सलामती काउंसिल के इजलास हुए ही नहीं जो बाकायदा इजलास होते हैं। सलामती काउंसिल के अराकीन में गैर रस्मी मशवरा हुआ और जवाब दे दिया गया आपको आपके खत का। एक खत आपने कल फिर लिख दिया है, वो खत फिर चीन के आप हवाले करेंगे, चीन वो हवाले करेगा सलामती काउंसिल के। ये प्रोसेस है भाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी भारत को मेंबरशिप दिला चुके हैं सलामती काउंसिल की। Exactly. अब वो वहाँ बैठा हुआ है, तो एक मसला ये बन जाएगा आपके लिए। तो अक़वाम मुत्तहदा से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, और जब बोले उम्मीद भी नहीं और तवक्को भी नहीं है मेरा बात इन दोनों से। मुझे उम्मीद अगर है तो वो कश्मीर के अंदर होने वाली रेजिस्टेंस से है, जो फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है, फिलहाल एक साल से आगे बढ़ती हूं, जो है खामोश है, उसकी वजह ये है। लेद है कि सिर्फ एक मुस्तकिल मेंबर है चीन, जो हमारा दोस्त है, हमारा साथ देता है, लेकिन जहन में रखिए उसके भी अपने मफादात हैं, और वो भी मशरूत तौर पर साथ देता है, वो हमारी जेब में नहीं है। बास चीजों पर हमारा वो साथ नहीं भी देता। FATF पे उसने हमें खुल के सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया लेकिन मशरूत अंदाज में किया। तो मुस्तकबिल करीब में तो इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से पाकिस्तान को बैक करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी होगी। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम जो ताकतें हैं, इनके माशी मफादात भारत के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी ने जहाज बेचने हैं तो किसी ने न्यूक्लियर प्लांट बेचने हैं तो किसी के किसी तरीके से मार्केट है। और बदकिस्मती से इस अरसे में गुज़श्ता 10 से 20 साल में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट बहुत कम हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो इकोनॉमिक वेट था, जो माशी वजन था, वो बेइंतहा कम हुआ है। पाकिस्तान के साथ शायद ही कोई कुवत होगी जिसके बहुत ज्यादा माशी मफादात वाबस्ता हों। तो मुस्तकबिल करीब में तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप ब्रिटेन की बात करते हैं, जो कि इस सारे कश्मीर इशू की बैकबोन है, जिसके बैड डिसीजन और इंटेंशनल बैड डिसीजन की वजह से आज कश्मीर का मसला मौजूद है। जनरल बजट है यूनाइटेड नेशंस का, उसका 22% अमरीका ने दिया है, जो $10 बिलियन से ज्यादा बनता है। इसका जो पीस कीपिंग मिशन है उसका 28% अमेरिका ने दिया है। जो इसका पीस कीपिंग मिशन है उसका कितना बजट है 2019 और 20 का, वो साढ़े छह अरब डॉलर्स का 28% एक मुल्क दे रहा है। जब तक वो मुल्क नहीं चाहेगा, आप सारी अक़वामे मुत्तहिदा को भी साथ मिला लें तो आप कश्मीर को कम अज कम अक़वामे मुत्तहिदा से तो हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी जिस सिक्योरिटी काउंसिल की पहले जिक्र हुआ, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है उनमें एक तो ये हो गया तुरम खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील की है, 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को, जो 7.87 बिलियन यूरोस हम सोच भी नहीं सकते। ये है ताल्लुकात भारत के मुल्कों के साथ। जारी बात है, हर तरह का ताल्लुक हम नहीं बना सकते, हमारी कोई सब भी माशी मजबूरियां हैं, लेकिन अक़वामे मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राखेल बन चुकी है, इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है। वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो 10 टॉप फंडिंग कंट्रीज है अक़वामे मुत्तहिदा के, उसमें से सिर्फ एक हमारा दोस्त है चीन। बाकी 9 ममालिक वो है कि जो हमारी निस्बत थोड़े से भारत से ज्यादा ताल्लुक बेहतर रखते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा आपका मसला हल नहीं कर सकती है, तो एक रबर स्टैंप है। मैं पहले कह रहा था ये मुंशी है चौधरी का, चौधरी जैसे चाहता है मुंशी के जरिए से अपनी रिट कायम करता है ये। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी है अक़वामे मुत्तहिदा को कि मैं आपकी एजेंसीज की फंडिंग रोक दूंगा, मैं WHO की फंडिंग रोक दूंगा, मैं बाकी इदारों की फंडिंग रोक दूंगा।
तो अकवाम मुतहदा फौरन पाओ और हाथ बांध के उसके सामने झुक गई, क्योंकि वो माई पास है, वो पैसे नहीं देगा अकवाम मुतहदा की चौधराहट खत्म हो जाएगी, अकवाम मुतहदा का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो अकवाम मुतहदा से छोड़ दें, मैं मुजाकरात को भी मैं नहीं समझता ऑप्शन होगा, ना अकवाम मुतहदा करेगी। वी हैव लॉस्ट कश्मीर लॉन्ग टाइम एगो, अब ये हम रस्मी कार्रवाइयां करते हैं, मजबूरी हमारी, जो पाकिस्तान में लोग हैं कश्मीर की आजादी की हमायत करने वाले, हम उनको दिखाना चाहते हैं, और हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर एक लाइन कश्मीर के बारे में लिखी हुई है, हम उसको साबित करने के लिए कि हमारी बड़ी सख्त कमिटमेंट है उसके बारे में, ये सब कुछ कहते हैं, वरना ना तो कोई संजीदगी पार्लियामेंट में थी, ना संजीदगी कोई पाकिस्तान के अमल में थी। मैं जैसा कि आपके पहले सवाल के जवाब में कह चुका हूं कि जिन लोगों ने ये हमारा केस लड़ना था वो वकला जो हमारे हैं वो तो इस मामले में कोई रोल प्ले नहीं कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा केस क्या है पाकिस्तान के बाहर, आपके केस को मार सवाए बेचारे कुछ कश्मीरी जो बरतानिया में इकट्ठे हो जाते हैं, और कुछ कश्मीरी जो कुछ जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इकट्ठे हो जाते हैं, आपके साथ है कौन? आपके तो लोग आपके साथ नहीं है। आज आपके ये जो जुलूस हैं इनमें कितने लाख अफराद ने शिरकत की? अभी वो कराची में जुलूस है उसके ऊपर हमला हो गया है, उसमें लोग जख्मी हो गए हैं। तो मैंने ये बातें हैं सब करने की हैं, आप किए जाएं अच्छा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये जो 1980 के बाद की नस्ल है इसको तो पता नहीं है कश्मीर को किसने कितने पैसों में बेचा था। आपने जो अभी परिचर्चा सुना उसमें एक बात जो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है वह यह है कि पाकिस्तान केवल जम्मू कश्मीर के बारे में दिखावे का प्रयास करता है, उसके द्वारा कोई भी अभी तक गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं, पाकिस्तान केवल घड़ियालू आंसू बहाता है, वास्तव में उसके भीतर ही इतनी समस्याएं हैं कि वह उससे ही निपटने में लगा रहता है, कुल मिलाकर केवल चीन ही उसका एक दोस्त है जो उसकी मदद के लिए सामने आता है, दूसरी तरफ भारत के पीछे विश्व के सभी देश खड़े दिखाई देते हैं। चर्चा में यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि चीन के मदद की भी एक सीमा है, वह पहले अपना हित देखेगा फिर पाकिस्तान के हित के बारे में सोचेगा। यह बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश पहले अपने देश की हितों की रक्षा करता है फिर वह दूसरे देश के बारे में निर्णय लेता है। चर्चा में यह भी स्वीकार किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर देश की मजबूत विदेश नीति कभी भी नहीं हो सकती, अच्छा यह हो कि पाकिस्तान अपने देश के आर्थिक तरक्की पर ज़्यादा ध्यान दे, बशर्ते कि जम्मू और कश्मीर राज्य में जो भारत का हिस्सा है, भारत इस कार्य में पाकिस्तान का मददगार हो सकता है, पर शर्त यह है जैसा कि भारत हमेशा से कहते आया है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तान चरमपंथियों को समर्थन और संरक्षण देना बंद कर दे, इसी में दोनों देशों की भलाई है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।